हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज का मेरा व्लॉग एज़ यूजुअल मेरे ड्रेस से स्टार्ट है। ये मेरी आज की शर्ट है जो मैं आज पहनूंगी, और मैंने अपने माइंड में रेडी कर लिया है कि मुझे सार्केस्टिक कमेंट्स को भी फेस करना है। एज़ यू नो, हर जगह पे लो मेंटेलिटी के लोग होते हैं और नैरो माइंडेड लोग होते हैं जिनको बस कोई ना कोई पॉइंट चाहिए होती हिट करने के लिए। सो मैं रेडी हूँ, आज कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलेगा। एंड मैं अपने जॉगर्स के साथ रेडी हो चुकी हूँ। ये देखें, ये वाली पैंट मैंने इस शर्ट पे पहनी है और ये मेरी फेवरेट पैंट है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी टाइम पहले मैंने ली थी ये, लेकिन मेरी चल रही, बहुत अच्छी है ये। मेरा स्कूल का बैग, मेरे चिप्स, मेरे रस्क, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। मैं स्कूल के लिए लेकर जाती हूँ घर से ही, वरना अबू कहते हैं वहाँ पे तुम बाहर से गंदी गंदी चीज़ें मंगवा के खाती हो लोकल। तो मेरे चिप्स और मेरे रस्क रेडी हैं। स्कूल पहुँचने के साथ मेरा आजकल का पहला काम ये होता है कि मैं बाहर से जो लोग कैरी मंगवाती हूँ और वो मैं खाती हूँ। आजकल आपको पता है कैरियों का सीज़न आ गया, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब अच्छे से खाती हूँ। और ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है, हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और हमारे ब्रेकफास्ट में आज हैं मैक्रोनी, बिरयानी, भिंडी थी, बहुत कुछ था। और अभी हमारा टाइम हुआ है किस चीज़ का, ये सीमी की चाय है जिसको मैं रोज़ ख़राब करती हूँ बिस्किट डिप करके या रस को डिप करके। और ये बहुत दिनों के बाद बाहर आया गोले वाला, गोले गंडे वाला, तो हमने मंगवाया बाहर से गोला गंडा, लोकल था लेकिन ऐसे बचपन की यादों को हमने किया ताज़ा, वरना मैं कराची से खाती हूँ अच्छे वाला। फिर अभी दूसरा मंगवा लिया, ठीक है। ये मिस रूबीना अपना गोला गंडा आपको दिखा रही है और मैं घर लौट आई और ये चाट मेरे लिए लाई थी मिस शमीम, और मुझे कहा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो ये मैं घर लेकर आई, बहुत अच्छी। और ये मेरी सिस्टर अपनी कुकिंग में लगी हुई है, दिन का लंच रेडी कर रही है। और ये चाट है, लुक बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। फ़िलहाल तो मैं जस्ट घर आने के बाद ड्रेस भी नहीं चेंज की और मैं थोड़ा सा ओरियो शेरों के पीछे चलती हूँ, उनको तंग करती हूँ। आपको मैं टाइम दिखा देती हूँ, 1:15 है, माशाल्लाह 1:15 है। और चलें अब बाद में मिलते हैं। ये है अंडे वाला बर्गर, इतने दिनों के बाद मेरा दिल किया कि मैं अंडे वाला बर्गर खाऊं, तो मैं अब्बू को कहा मुझे अंडे वाला बर्गर मंगवा के दें, उन्होंने मुझे मंगवा के दें। अब मेरा आज का दिन बन गया सच में, इतने दिनों के बाद मैं अंडे वाला बर्गर खाया। मैं जिंगर बर्गर बिल्कुल नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे हमेशा से अंडे वाला बर्गर पसंद है और हमेशा से रहेगा भी। भाई पसंद है तो क्या कर सकते हैं। सो इसी के साथ आई एम एंडिंग माई व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, लंबा नहीं है लेकिन फिर भी।